जहां 9 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता को मुश्किलों में डाला, वहीं राहुल गांधी ने हर परिस्थिति में देशवासियों का साथ दिया और मुश्किलों से उबारा। सत्ता में आते ही मोदी सरकार किसानों की जमीन हड़पने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाई, पर राहुल गांधी ने देश भर में पदयात्रा निकाली और मोदी सरकार को अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर किया। काम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। एक इंच जमीन मिल जाएगी, 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। Sources have told India Today that the government is to go back to the UPA 2013 land bill. नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लेने के बाद मोदी विदेश जाकर हैरान परेशान भारतीयों की स्थिति का मजाक उड़ा रहे थे। घर में शादी है, पैसे नहीं है, माँ बीमार है, 1000 की नोटों का खप्पा है, लेकिन मुश्किल है। नोटबंदी की वजह से देश के कोने कोने से मौत की खबरें आ रही हैं। कहीं बेटी की शादी के लिए पैसा ना जुटा सके पिता ने, तो कहीं लाइन में खड़े बुजुर्गों की मौत की एक खबर परेशान करती है। उस वक्त भी राहुल गांधी लोगों के बीच मौजूद थे और खुलकर नोटबंदी का नुकसान बता रहे थे। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। GST लागू होने पर देशवासियों ने जश्न मनाया था। ये जश्न है 70 साल बाद बने इतिहास का। लेकिन राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि मोदी सरकार वाली GST से छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग का भला नहीं होगा। इनकी जो GST है, ये GST नहीं है, GST गब्बर सिंह टैक्स। पुलवामा के शहीदों की तस्वीर लगाकर वोट मांगकर चुनाव जीतने वाली BJP से राहुल गांधी ने हमेशा वो सवाल पूछे जो हर देशवासी को पूछने चाहिए थे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, और राहुल गांधी ने पहला सवाल पूछा, हमले से सबसे ज्यादा किसका फायदा हुआ? और दूसरा सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा वो ये कि हमले की जांच में क्या निकला? और तीसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा कि सुरक्षा में चूक के लिए BJP सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई है? जब नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी को नजरअंदाज करके लिट्टी चोखा खा रहे थे, तब राहुल गांधी सरकार को और देश को आने वाले संकट से आगाह कर रहे थे। मैं पहले से कह रहा हूँ कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, कोविड से पहले मैं कह रहा था, और अब मैं कह रहा हूँ कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। मोदी सरकार ने 3 काले कानून लाकर एक बार फिर किसानों पर हमला किया। उस समय भी राहुल गांधी ने किसानों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक बुलंद की और अंत तक किसानों के साथ खड़े रहे। हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जीत किसानों की हुई।